हेलो दोस्तों, मेरा नाम है MS बाजो और आज हम बात करने वाले हैं हुंडई क्रेटा के EX मॉडल के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका प्राइस। तो इसका एक्स शोरूम आपको पड़ता है 11,81,200 रुपये। तो अभी हम हैं डेरा बसी पंजाब में, तो यहाँ पे इसका ऑन रोड आपको पड़ता है 13,47,609 रुपये। तो भाई गाड़ी आपके सामने, आप देख सकते हो भाई ब्लैक कलर में कितनी बढ़िया गाड़ी लग रही है। सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लो ताकि सारे नोटिफिकेशन और वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ। और चैनल को भाई बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, आप ज़रूर सब्सक्राइब करके ही जाना। सो करते हैं वीडियो की शुरुआत अभी लेंथ से। तो लेंथ आपको मिलती है 4300 mm, विड्थ आपको मिलती है 1790 mm और हाइट आपको मिलती है 1635 mm। तो ये करते हैं शुरुआत इसकी लाइट से। तो लाइट आपको इसके अंदर हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है, साथ में ऊपर आपको DRLs मिल जाते हैं। नीचे आप देखोगे तो नीचे आपको यहाँ पे मिल जाता है इसका इंडिकेटर, तो इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे नीचे मिलती है। तो भाई ग्रिल आप देख सकते हो भाई, बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन मिल जाता है, बहुत ज़्यादा लोगों को आजकल ये पसंद आ रही है कार। सो इसको अभी लॉन्च हुए अभी साल के करीब हो गया है, फिर भी भाई इसकी जो ताजगी अभी भी बरकरार है, अभी भी लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो भाई साइड पे आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया आपको इसकी जो लेंथ मिल जाती है 4300 mm, बहुत ही लंबी गाड़ी आपको दिखती है। इंडिकेटर आपको ORVM के ऊपर मिल जाता है। टायर सेक्शन की बात करें तो इसके अंदर आपको 205/65R16 का टायर मिल जाता है, साथ में आपको ऊपर आपको मिल जाते हैं इसके व्हील कवर्स, तो बहुत ही बढ़िया आपको इसके व्हील कवर्स भी इसके साथ में मिल जाएंगे। बाकी अब देखते हैं इसका व्हील बेस। तो इसका व्हील बेस आपको भाई 2610 mm का भाई बहुत ही बढ़िया सा व्हील बेस मिल जाता है। अभी देखते हैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। तो इसके अंदर आपको 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है, ऊपर आपको सिल्वर यहाँ पे एक लाइन मिल जाती है जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। सो ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सकते हो काफ़ी यहाँ पे आपको 190 mm की यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर की जा रही है। सो ये है इसका साइड पोर्शन, पूरा देखने में भाई बहुत ही बढ़िया गाड़ी नज़र आती है। सो ये अभी देखते हैं इसका बैक लुक। तो बैक लुक पे आपको दिखाते हैं सबसे पहले इसका डिज़ाइन। तो भाई लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है ये बैक से भी। नीचे आपको स्किड प्लेट भी इसमें मिल रही है, सबसे ऊपर आपको मिल जाता है यहाँ पे शार्क फिन एंटीना। उसके बाद देखेंगे तो ग्लास के ऊपर आपको यहाँ पे कोई भी यहाँ पे डिफोगर या वॉशर यूनिट यहाँ पे नहीं मिलती। सो ये इसका EX मॉडल है। तो लाइट आप देख सकते हो आपको DRLs के साथ में यहाँ पे हैलोजन लाइट्स मिल जाती है बैक की, और इंडिकेटर भी आपको यहाँ पे हैलोजन मिलता है। सेंट्री माउंटेड आपको यहाँ पे मिल जाता है इसका स्टॉप लैंप, और क्रेटा यहाँ पे स्पेस देके लिखा है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। 4 पार्किंग सेंसर भी यहाँ पे आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, और नीचे आपको स्किड प्लेट भी यहाँ पे मिल रही है, 2 बैकलाइट और साथ में आपको रिफ्लेक्टर भी यहाँ पे मिल रहा है। पीछे का डिज़ाइन भी आपको भाई काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो अभी हमने इसका बाहर का लुक पूरा कंप्लीट कर दिया है। सो अभी आपको दिखाते हैं इसका इंटीरियर। तो इंटीरियर में आप देख सकते हो ये इसका ड्राइवर साइड डोर। तो ड्राइवर साइड डोर आपको 2 कलर के अंदर मिलेगा, ब्लैक और क्रीज कलर के अंदर। सो यहाँ पे आपको ORVM की एडजस्टमेंट मिल जाती है, बस फोल्ड अनफोल्ड आपको मैनुअली करना पड़ेगा। पावर विंडो के कंट्रोल और लॉक अनलॉक का यहाँ पे आपको कंट्रोल मिल रहा है। सो जो इसका ORVM है उसको आपको फोल्ड अनफोल्ड आपको मैनुअली करना पड़ेगा, कोई भी यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलता, सारा आपको यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक ही मिलता है। स्पीकर ग्रिल और साथ में आपको बोतल होल्डर डोर के अंदर प्रोवाइड हो जाएगा। तो अभी देखते हैं इसकी ड्राइवर साइड सीट। तो ड्राइवर साइड सीट में आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है, सो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर आपको इसके अंदर मिल रहा है। एडजस्टेबल आपको यहाँ पे हेडरेस्ट मिल रहे हैं, सीट की कुशनिंग आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, कोई भी आपको कंफर्ट में शिकायत नहीं आएगी। स्टीयरिंग व्हील देखते हैं, तो स्टीयरिंग व्हील आपको बटरफ्लाई डिज़ाइन में मिल जाता है, साथ में आपको यहाँ पे माउंटेड कंट्रोल्स भी यहाँ पे मिल रहे हैं, जिसमें आपको वॉइस कंट्रोल और साथ में मूड्स के कंट्रोल, और साथ में इधर आप देखोगे तो यहाँ पे LED स्क्रीन के यहाँ पे कुछ कंट्रोल मिल जाते हैं, साथ में आपको टेलीफोनिक कंट्रोल मिलते हैं। सेंटर में आपको मिलता है हुंडई का लोगो। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे टैकोमीटर और स्पीडोमीटर आपको मैनुअल मिल रहा है, साथ में आपको जो इसकी फ्यूल गेज और टेम्परेचर गेज है वो भी आपको मैनुअल मिलती है। बीच में आपको स्क्रीन मिल जाती है जहाँ पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसकी शो होती है। स्टॉक में देखेंगे तो यहाँ पर आपको लाइट का स्टॉक मिल जाता है, दूसरे साइड आपको यहाँ पर वाइपर्स का स्टॉक मिल जाता है, तो क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है। इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, साथ में लाइट लेवलिंग का
फंक्शन मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको 8 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है, साथ में आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले मिल जाता है इसके अंदर। मैनुअल आपको यहाँ पे एसी यूनिट मिल जाती है, नीचे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, यूएसबी पोर्ट और साथ में चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद कुछ स्टोरेज और 6 स्पीड का आपको यहाँ पे गियर नॉब मिल जाता है। फिनिशिंग काफ़ी अच्छी मिलती है आपको, उसके बाद कप होल्डर और उसके बाद यहाँ पे आपको मिल रहा है यहाँ पे भाई आर्म रेस्ट और साथ में आपको यहाँ पे स्टोरेज भी इसके अंदर मिल जाएगी। सो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको स्टोरेज भी इसके अंदर मिल रही है। अभी देखते हैं इसका ग्लोव बॉक्स, तो ग्लोव बॉक्स में भी आपको ठीक ठाक स्पेस यहाँ पे मिल जाएगी, कोई भी यहाँ पे कूल्ड का फंक्शन आपको इसके अंदर नहीं मिल रहा। सो ये देख सकते हो आप पूरे डैशबोर्ड की लुक, काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे डिज़ाइन मिल जाता है, देखने में आपको काफ़ी अच्छा और प्रीमियम लगेगा। ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाता है। सेंटर में देखेंगे IRVM, तो यहाँ पे मैनुअल यहाँ पे डे एंड नाइट के अंदर आप स्विच कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे 2 हैलोजन आपको लाइट्स मिल जाती हैं, रीडिंग लैम्प, और साथ में आपको यहाँ पे सनग्लास होल्डर भी यहाँ पे दिया गया है। सो अभी देखते हैं इसका दूसरा सनवाइज़र, तो आपको पैसेंजर साइड यहाँ पे मिल रहा है वैनिटी मिरर। सो भाई इसके अंदर अभी आपको 6 एयरबैग भी कंपनी की तरफ से मिल रहे हैं। तो भाई सेफ्टी के नज़रिए से भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे कंपनी दे रही है। सो इसके स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट देखें तो यहाँ पे आपको टिल्ट फंक्शन के साथ में यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है। सो अभी चलते हैं बैक साइड पे, तो बैक साइड का डोर आप देख सकते हो वैसे ही आपको कलर थीम मिल जाती है, साथ में आपको पावर विंडो का कंट्रोल और नीचे आपको स्पीकर और बॉटल होल्डर यहाँ पे मिल रहा है। अभी देखते हैं इसकी सीटिंग, तो सीटिंग भाई आप देख सकते हो आपको काफ़ी यहाँ पे चौड़े चौड़े सीट्स मिल रहे हैं, तो भाई स्पेस वाइज काफ़ी अच्छी गाड़ी है। पीछे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं, बीच में आपको कोई भी यहाँ पे आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा, स्पेस की कोई इसके अंदर कमी नहीं है। पीछे आपको यहाँ पे एसी वेंट्स भी, रेयर एसी वेंट्स भी मिल रहे हैं, साथ में आपको स्टोरेज भी मिल रही है। पर आपको एक लैंप यहाँ पे मिल जाते हैं रेयर में और 2 आपको लैंप आगे मिल जाते हैं। सो ये है इसका बैक सीटिंग, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको सीट्स मिल जाती हैं, साथ में आपको काफ़ी अच्छी कुशनिंग यहाँ पे इसके अंदर मिल रही है। ये है इसकी बैक सीटिंग। सो अभी चलते हैं इसके बूट की तरफ, तो बूट आपको दिखाते हैं इसका। तो बूट स्पेस की बात करें तो भाई इसके अंदर आपको 433 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है आपके लॉन्ग ट्रिप के लिए। इसके अंदर आपको 60-40 के रेशो के अंदर भाई सीट्स मिल जाती हैं, साथ में आपको चाइल्ड माउंट्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको लाइट भी इसके अंदर मिल रही है और यहाँ पे हुक भी आपको यहाँ पे दोनों साइड मिल जाएंगी। सो अभी देखते हैं इसका स्पेयर व्हील, तो भाई स्पेयर व्हील अगर इसका सेक्शन की बात करें तो इसके अंदर भाई आपको सेम सेक्शन का ही भाई टायर मिल रहा है, आप देख सकते हो। सो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको भाई इसके अंदर कंपनी दे रही है, सेम साइज़ का व्हील ही भाई आपको इसके अंदर मिल जाएगा। कोई भी आपको यहाँ पे पार्सल ट्रे नहीं मिल रही, बाद में आप इसको कंपनी की तरफ से भी लगवा सकते हो। सो अभी करते हैं बंद इसके बूट को, अभी लेके चलते हैं आपको इसके इंजन कंपार्टमेंट की तरफ, तो इंजन आपको दिखाते हैं इसका। तो भाई इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का MPI पेट्रोल इंजन मिल जाता है, 1497 cc का ये इंजन है, 113.18 bhp की ये पावर जनरेट करता है, 143.8 nm की ये टॉर्क जनरेट करता है। तो भाई काफ़ी पावरफुल इंजन आपको इसके अंदर मिल रहा है। माइलेज की बात करें तो कंपनी की तरफ से 16.8 की माइलेज क्लेम की जाती है। सो अगर आप आपकी रनिंग कंडीशन अच्छी है तो आपको 17-18 तक भी माइलेज इससे मिल जाएगी। सिटी के अंदर आपको जो माइलेज मिलेगा वो 14 से 15 का मिलेगा, बाकी आपको हाईवे के ऊपर जो माइलेज मिलेगा वो 17 से 18 तक का आपको इससे आराम से मिल जाएगा। तो भाई दोबारा से भी मैं बता देता हूँ, आप देख रहे हो अभी क्रेटा का EX मॉडल, तो ये है पेट्रोल के अंदर। इसका एक्सशोरूम आपको पड़ता है 11 लाख 81 हज़ार, ऑन रोड आपको भाई 13.5 लाख रुपए के लगभग पड़ता है। आपको गाड़ी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको गाड़ी अच्छी लगी है, आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ में, और मिलते हैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में।